तो दोस्तों आज का हमारा पूरा वीडियो एक मांगा स्टोर के अंदर है जो कि इंडिया में है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इंडिया में भी एक मांगा स्टोर है जिसके ऊपर मैं एक ब्लॉग लेकर आया हूँ। देखो दोस्तों ये ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि सबको पता चले कि इंडिया में और खास करके मुंबई में एक मांगा रीडिंग स्टोर अवेलेबल है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मैंने ये स्टोर को फाइंड आउट किया हूँ। तो आज हम इस मांगा स्टोर में देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से एनिमे की मांगा है। अब इसी के साथ साथ आती है इम्पोर्टेंट बात, अब जिसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो जिससे मैं जब भी वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो अब दोस्तों बहुत बातें हो गई, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है, तो ज़रा एडजस्ट कर लेना। तो देखो दोस्तों जैसे आप लोग तो देख ही सकते हैं ये शॉप बाहर से कुछ ऐसी दिखती है और इस शॉप का नाम है लीपिंग विंडोज़ और साथ ही साथ ये एक कैफ़े भी है। मैं इसका एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो देखिए सबसे पहले ये आता है एक पूरा बॉक्स सेट ड्रैगन बॉल जी के मांगा का जो कुछ ऐसा दिखता है। अभी आप लोग तो देख ही सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी कॉमिक्स और बुक्स है, लेकिन मेजॉरिटी ये सब मांगा ही है। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सबसे पहली ड्रैगन बॉल की मांगा है जो साक्षात अकीरा टोरियामा ने सबसे पहले बनाई थी। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि मांगा को हमेशा राइट साइड से पढ़ते हैं। तो जो लोग मांगा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये वाली बात को ध्यान में रखना। अभी मैं तुम लोगों के लिए ये ड्रैगन बॉल की मांगा को यहाँ पर अच्छे से ओपन करता हूँ, तो आप लोग एकदम अच्छे से देखिए। अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ तो बहुत सारे पोस्टर्स भी है जैसे किड गोकू, क्रिलिन और शेनरॉन का, और यहाँ पर तो ड्रैगन बॉल के अलावा और भी एनिमेस के पोस्टर्स है जैसे ब्लीच, बाकुमान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों ये स्टोर तो मुझे बहुत सही लग रही है क्योंकि यार इस स्टोर में तो एनिमे के साथ साथ डीसी कॉमिक के पोस्टर्स भी है यार, जैसे बैटमैन, सुपरमैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सच बात बोलूं तो मुझे कॉमिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि एनिमे में है। लेकिन यहाँ तो मांगा के अलावा बहुत सारी कॉमिक्स भी है, जैसे आप लोग तो देख ही सकते हैं मैं यहाँ से उठा रहा हूँ द डार्क नाइट की कॉमिक, मतलब ये बैटमैन की कॉमिक है तो आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए दोस्तों नारुतो की मांगा का होल बॉक्स सेट, ये बॉक्स सेट तो सच में बहुत सही लग रहा है। यहाँ पर नारुतो और डीबीजेड के अलावा भी बहुत सारे अच्छे एनिमेस की मांगा है, जैसे कि यहाँ पर मॉन्स्टर की मांगा देख सकते हैं, और तो और यहाँ सही सही एनिमेस की मांगा भी है। और यहाँ की तुम लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, इस जगह पर तुम लोग बैठ के और लेट कर भी मांगा पढ़ सकते हो। इस जगह का इंटीरियर भी मुझे बहुत सही लगा, यहाँ पे कम से कम 500 प्लस बुक्स या मांगास तो होंगी ही, देखने से ही लग रहा है। इस लाइब्रेरी जैसी मांगा स्टोर में कोई कोई एनिमे की मांगा नहीं है, जैसे कुरोकोनो बास्केट, हाजिमेनो इप्पो, शोकुगेकिनो सोमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कुछ भी हो इंडिया में मुझे एक मांगा स्टोर मिली, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो खजाना है यार, वन पीस की मांगा भी है इधर और इसी के ऊपर ब्लीच एनिमे की मांगा भी है। दोस्तों ये भी बहुत सही शॉर्ट फाइट एनिमे है, हाईली रिकमेंड करूंगा, इसे भी देखना जरूर। और तो और इस जगह कॉमिक्स के भी कितने सेट्स है, जो भी मार्वल और डीसी का फैन होगा ना उसे तो ये जगह बहुत मतलब बहुत पसंद आएगी।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोकेमोन की मांगा भी है यहाँ पर, तो चलिए इस पर भी एक नजर मारते हैं कि जिसने हमारा बचपन रंगीन कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि पोकेमोन का सबसे पहला मांगा कैसा था दिखने में, क्योंकि दोस्तों मैंने पोकेमोन का एनिमे ही देखा, उसका मांगा मैंने कभी नहीं देखा। अब आप लोग स्क्रीन पर बाकुमान की मांगा को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये एनिमे भी रेकमेंड करता हूँ, ये एनिमे प्लीज देखना यार, आप लोगों को भी पता चलेगा कि एक मांगा आर्टिस्ट की लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली होती है। ये लोग जितनी मेहनत करते हैं ना, हम लोग तो भाई कुछ नहीं है इन लोग के सामने। अभी हमारी स्क्रीन पर है फेरी टेल की मांगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इसका नाम फेरी टेल है, तो बहुत लोग इस एनिमे को बच्चों वाला समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस एनिमे को देखा है, बहुत बाप एनिमे है, ऊपर से शोनेन है यार, तो देखना तो बनता है। तो यार बस मैं यहाँ पर इस मांगा स्टोर के व्लॉग का एंड करता हूँ। ये तो बस एक छोटा सा मांगा स्टोर का व्लॉग था, एकदम सडनली मैंने बनाया। अभी मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन ओटाकू ने फेस रिवील क्यों नहीं किया। दोस्तों जैसे मैंने अपने Q&A वीडियो में कहा था कि फेस रिवील करूंगा तो 50K सब्स के बाद ही करूंगा, तो यार तब तक के लिए वेट कर लो। तो अब बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो यार, और शेयर तो करना ही, और सब्सक्राइब ने क्या गुनाह किया है उसे भी कर दो यार। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाइमास।